In this video, we will see the definition of inheritance and types of inheritance in Java. आज का जो वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूरी रहता है। आप इस वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हाउ टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन जावा मैं ये भी पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इनहेरिटेंस का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म और टेक्निक by which a child class can acquire few behavior or all behavior of parent class। चलिए इस डायग्राम से इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये parent class बनाया गया है और इस parent class के इनसाइड में private void display p नाम का मेथड बनाया गया है। display p का मतलब है display parent और इस parent class में पब्लिक void showP नाम का मेथड बनाया जा रहा है। showP का मतलब है show parent और यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास बनाया जा रहा है। चाइल्ड क्लास के इनसाइड में सपोज कीजिए कि void display C नाम का मेथड है। display C हम लोग एज्यूम करते हैं display child और एक मेथड और बनाया जा रहा है void show C नाम का मेथड। तो जावा में एक्सटेंड कीवर्ड से चाइल्ड क्लास कैन एक्सटेंड पेरेंट क्लास। जब चाइल्ड क्लास पेरेंट का चाइल्ड क्लास बन जाएगा तब क्या होगा, तब प्राइवेट डेटा या प्राइवेट मेथड ऑफ पेरेंट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिट टू द चाइल्ड क्लास। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिट। अब प्राइवेट मेंबर में डेटा मेंबर भी हो सकता है, मेंबर मेथड भी हो सकता है। तो प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिट टू द चाइल्ड क्लास। पब्लिक मेथड जो है या पब्लिक मेंबर जो है ये चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होगा, यानी कि showP जो मेथड है ये मेथड यहां से चाइल्ड क्लास में भी कॉपी हो जाएगा। तो चाइल्ड क्लास के हेल्प से वी कैन एक्सेस द बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास। लेकिन स्टूडेंट हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिट। तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग मशीन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इनहेरिटेंस को हम लोग मशीन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ देखिए क्लास A बनाया जा रहा है। इसमें मेथड डिफाइन किया जा रहा है प्राइवेट void display P। P जो है ये पेरेंट को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर मैसेज लिखा जा रहा है पेरेंट डिस्प्ले मेथड, यानी कि ये डिस्प्ले मेथड पेरेंट का है। और ए क्लास के इनसाइड में पब्लिक void showP नाम का मेथड बनाया जा रहा है जिसमें ये मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है पेरेंट show मेथड। फिर क्लास B बनाया जा रहा है और एक्सटेंड्स A लिखा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सटेंड्स कीवर्ड से A क्लास जो है ये B क्लास का पेरेंट क्लास बन जाएगा, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि B क्लास जो है ये A क्लास का चाइल्ड क्लास बन जाएगा। तो B क्लास यानी चाइल्ड क्लास में void display C नाम का मेथड बनाया जा रहा है। यहाँ पर C का मतलब चाइल्ड है और यहाँ मैसेज दिया जा रहा है चाइल्ड डिस्प्ले मेथड। और एक मेथड बनाया जा रहा है show C नाम का मेथड और यहाँ मैसेज लिखा जा रहा है चाइल्ड show मेथड। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिट टू द चाइल्ड क्लास। ये चाइल्ड क्लास को नहीं मिलेगा, यानी कि चाइल्ड क्लास के हेल्प से डिस्प्ले P नाम का मेथड जो है ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक मेथड जो है या पब्लिक मेंबर जो है ये चाइल्ड क्लास में कॉपी हो जाएगा, यानी कि B क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से showP नाम का मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास टेस्ट डिजाइन किया जा रहा है और मेन मेथड के इनसाइड में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा रहा है। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से डिस्प्ले P यानी पेरेंट के डिस्प्ले मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो डिस्प्ले P जो मेथड है ये मेथड पेरेंट क्लास में प्राइवेट रखा हुआ है। प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिट, यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के बिहेवियर को जो कि प्राइवेट में है उसे एक्सेस नहीं कर सकते। फिर यहाँ लिखा जा रहा है ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले C, यानी कि चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले C मेथड को एक्सेस किया जा रहा है, ये एक्सेस होगा। फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से showP नाम का मेथड को एक्सेस किया जा रहा है और showP मेथड जो है ये पेरेंट क्लास का है और ये पब्लिक में रखा हुआ है, इसीलिए ये एक्सेस होगा। फिर obj.soc नाम का मेथड है, ये भी एक्सेस होगा क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का है। तो चलिए इसे पहले सेव करते हैं, फिर इसे कंपाइल करते हैं javac test.java लिख करके। देखिए यहाँ पर एरर मिल रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि डिस्प्ले पी जो मेथड है ये प्राइवेट मेथड है जो कि पेरेंट क्लास में है, और ऑब्जेक्ट जो है ये चाइल्ड क्लास का है। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ प्राइवेट के जगह पब्लिक लिख दिया जाए तब डिस्प्ले पी मेथड भी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएगा, और यहाँ पर ये मेथड भी एक्सेस होगा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। फिर से इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ एरर बताया जा रहा है, यहाँ डिस्प्ले में एल छूट गया है, यहाँ पर एल लिखेंगे। फिर से इसे कंपाइल करते हैं, तो देखिए ये कंपाइलेशन हो चुका है। अब इसे रन करते हैं जावा टेस्ट लिख करके, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट मिल चुका है। पेरेंट डिस्प्ले मेथड, चाइल्ड डिस्प्ले मेथड, पेरेंट शो मेथड एंड चाइल्ड शो मेथड। तो ये इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है और इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। एज वी नो इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ जावा एंड जावा सपोर्ट 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। द फर्स्ट टाइप इज सिंगल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आज के टॉपिक को आप नोटबुक में जरूर लिखें। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जावा में वो है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में देयर इज ओनली वन पेरेंट एंड देयर इज ओनली वन चाइल्ड क्लास। सेकेंड इनहेरिटेंस जो है ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ए क्लास अगर पेरेंट क्लास है तो बी क्लास को हम लोग डिराइव्ड क्लास भी बोलेंगे, और बी क्लास अगर सी क्लास का पेरेंट क्लास है तो सी क्लास को डिराइव्ड क्लास ऑफ बी क्लास बोल सकते हैं। तो बी क्लास इज डिराइव्ड क्लास ऑफ ए क्लास एंड सी क्लास इज डिराइव्ड क्लास ऑफ बी क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डिराइव्ड क्लास Is derived by derived class। थर्ड टाइप जो इनहेरिटेंस है ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास का एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो सकता है या एक से ज्यादा सुपर क्लास हो सकता है। लेकिन जावा में एक प्रॉब्लम है। इन जावा ए चाइल्ड क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन वन सुपर क्लास। यानी कि क्लास सी जो है अगर ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो बी क्लास को ये एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ जावा अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा में चाइल्ड क्लास जो है एक से ज्यादा इसमें सुपर क्लास नहीं हो सकता है। तो सी क्लास जब ए क्लास एक्सटेंड कर चुका है तो ये बी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। बट चाइल्ड क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस। तो जावा में चाइल्ड क्लास का एक ही पेरेंट क्लास हो सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास का मोर देन वन सुपर इंटरफेस हो सकता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस जावा कुड अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टाइप का जो इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है ये ट्री स्ट्रक्चर है, यानी कि एक पेरेंट क्लास का बहुत सारा चाइल्ड क्लास हो सकता है। तो यहां पर डिफिनेशन लिखा जा रहा है वन क्लास इज इनहेरिटेड बाय मेनी सब क्लासेस। एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहां पर ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है एंड डी क्लास है। B class and C class is the child class of A class and D class is the child class of B class and C class। अगर यहाँ से C class को remove कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर A class से B class derived हो रहा है और B class से डी क्लास जो है ये डिराइव्ड हो रहा है, यानी कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। और अगर ए क्लास को हटा दिया जाए तो यहाँ पर ये डी क्लास जो चाइल्ड क्लास है इसका मोर देन वन सुपर क्लास होगा, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और अगर यहाँ से डी क्लास को रिमूव कर दिया जाए तो बी क्लास और सी क्लास जो है ये ए क्लास का चाइल्ड क्लास हो जाएगा, जो कि ट्री स्ट्रक्चर है या तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो इस डायग्राम में हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था क्लास ए और क्लास बी यहाँ पर बना करके, ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, जिसमें क्लास बी जो है क्लास ए का चाइल्ड है। अब हम लोग समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। यहाँ पर क्लास ए बनाया जा रहा है और इसके इनसाइड सो ए नाम का मेथड है, और यहाँ पर लिखा जा रहा है ग्रैंड पेरेंट क्लास। फिर क्लास बी बनाया जा रहा है और एक्सटेंड ए किया जा रहा है, यानी कि बी क्लास जो है ए क्लास का चाइल्ड क्लास बन रहा है, और यहाँ पर सो बी नाम के मेथड में लिखा जा रहा है पेरेंट क्लास। फिर क्लास सी बनाया जा रहा है और बी क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि सी क्लास जो है ये बी क्लास का चाइल्ड क्लास बन रहा है, और सी क्लास के इनसाइड सो सी नाम का मेथड बनाया जा रहा है, जिसमें लिखा जा रहा है चाइल्ड क्लास। तो जैसा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम लोग जानते हैं कि डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड बाय डिराइव्ड क्लास, तो यहाँ ए क्लास जो है ये ग्रैंड पेरेंट क्लास है, बी क्लास जो है ये पेरेंट क्लास है, और सी क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास है। जब ए क्लास बी क्लास का पेरेंट हो रहा है तो इसका सारा बिहेवियर जो है बी क्लास में आ जाएगा, और बी क्लास का सारा बिहेवियर जो है वो सी क्लास में आ जाएगा, और बी क्लास के थ्रू ग्रैंड पेरेंट का भी बिहेवियर सी क्लास में आ जाएगा। तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम ग्रैंड पेरेंट के बिहेवियर को भी एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट के बिहेवियर को भी एक्सेस कर सकते हैं, और चाइल्ड के बिहेवियर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से सो ए नाम का मेथड, जो कि ग्रैंड पेरेंट का मेथड है, उसे एक्सेस किया जा रहा है। फिर सो बी नाम का मेथड को एक्सेस किया जा रहा है, जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है, और फिर सो सी नाम का मेथड को एक्सेस किया जा रहा है, जो कि चाइल्ड क्लास का मेथड है। तो पहले इसे सेव करते हैं, फिर इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है, फिर इसे कंपाइल करते हैं। देखिए, कंपाइलेशन हो चुका है। अब इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट मिल चुका है, ग्रैंड पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। तो ये एग्जाम्पल था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है कि चाइल्ड क्लास जो है इट कैन हैव मोर देन वन सुपर क्लास, लेकिन जावा में आप एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि सी क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास है, और ये ए क्लास को अगर एक्सटेंड कर रहा है तो ये बी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्लास ए बनाया जा रहा है, क्लास बी बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जब क्लास सी बना रहे हैं तो हम लिख रहे हैं एक्सटेंड्स ए बी, यानी कि वी वांट टू एक्सटेंड मोर देन वन सुपर क्लास टू द चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ मेन मेथड में सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है और सो सी नाम का मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो चलिए इसे सेव करते हैं एंड देन कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पर एरर मिल रहा है क्लास सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर B जो है इसे इंटरफेस बनाना पड़ेगा। जब हम लोग B को इंटरफेस बनाएंगे तो इसके इनसाइड जो मेथड होगा ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। स्टूडेंट, मैंने अपने पिछली वीडियो में क्लास एंड इंटरफेस के बारे में बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ लिखा जा रहा है क्लास सी एक्सटेंड्स ए implements B. So with the help of interface, Java could achieve multiple inheritance. लेकिन स्टूडेंट आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंटरफेस के इनसाइड में जो मेथड है वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा और उस मेथड का डिफिनेशन जो है वो चाइल्ड क्लास को देना ही पड़ेगा और सो बी जो मेथड है ये बी इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड था तो सो बी मेथड को चाइल्ड क्लास को डिफाइन करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर पब्लिक वॉइड सो बी एंड इसका डिफिनेशन यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है पेरेंट क्लास। अब यहाँ पर मेन मेथड में सी का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। अब सो बी जो मेथड है जो कि इंटरफेस का मेथड था उसे कॉल किया जा रहा है और सो सी मेथड को कॉल किया जा रहा है। फिर इसे कंपाइल करते हैं। अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पर पेरेंट क्लास ये एक्सेस हो रहा है और चाइल्ड क्लास ये भी एक्सेस हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने देखा। इसी एग्जाम्पल के हेल्प से आप बाकी दो टाइप्स का जो इनहेरिटेंस है जो कि हायरार्किकल है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है आप उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मशीन में। स्टूडेंट अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से मशीन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कमेंट लाइन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।